दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आज दिल्ली में बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। बता दें बीजेपी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मांग की गई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। कई आरोप अरविंद केजरीवाल पर लाए गए। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान महिलाओं का कहना है कि केजरीवाल सरकार जनता के लिए ऐसे फैसले ले रही है जिससे जनता परेशान है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी द्वारा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बीजेपी ने केजरीवाल पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही कई अन्य आरोप भी लगाए गए। देखिए, एक ठगी आदमी, मुझे तो उन्हें मुख्यमंत्री कहने में भी मन नहीं करता, जो जेल में बैठ के कहते हैं सरकार चलाऊंगा, जो जेल के बाहर भी सरकार ना चला पाए। आज 30-30 हजार रुपए बिल आता है, उनसे कोई पूछे कि दिल्ली की जनता क्या खाएगी और क्या कमाएगी, क्या आपके बिजली के बिल और पानी के बिल भरेगी। इतने बड़े ठगी और इतने बड़े झूठे आदमी जो कहा करते थे बिजली पानी फ्री दूंगा, क्या ये फ्री होता है? ये फ्री होता है? ठगी मतलब केजरीवाल, धोखा मतलब केजरीवाल, झूठ मतलब केजरीवाल। बिल्कुल, और भी महिलाएं हमारे साथ है, क्या मांगे आप लोगों की यहाँ पर? आप ये है ना, केजरीवाल भरे हुए बिल वापस ले ले, वापस लेने चाहिए इसको। ये फर्जी वाला जो जेल से भी लूट रहा है, उसने बाहर रह के भी दिल्ली को लूटा और अंदर रह के भी दिल्ली को लूटा है, उसका लालच ये खत्म नहीं हो रहा। इसलिए हम ये सारी जनता इसीलिए इकट्ठी हुई है, हम इनसे मांग कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि दिल्ली की जनता को बख्श दो, दिल्ली की जनता को जीने दो और ये बढ़े हुए बिल वापिस कर, पीपीएसी चार्ज बढ़ाकर जो महंगी बिजली करी है उसका चार्ज। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसीलिए आक्रोश में है कि और ये 200 यूनिट पे एक यूनिट आती है ना भाई साहब, सारे यूनिट का पैसा ले ले तो कोई फ्री का जुमला नहीं है। फ्री का जुमला वो अपने घर से देता है क्या बिजली, अपनी बीवी के गहने बेचता है? कोई फ्री का नहीं देता है, सारी जनता को लूटने का काम हो रहा है, सारी जनता का लूटा है। आपके चैनल के माध्यम से ये चाहते हैं केजरीवाल जी हाथ जोड़ के विनती है, जनता पे रहम करो। ये 45 की डिग्री में हम लोग धूप में खड़े हैं और आप है ना इस तरह से जनता को त्रस्त कर रहे हो और बड़े हुए बिल वापिस करो। कहा बिजली फ्री करी थी, अब बिजली का दर बढ़ा दिए, ये हम इससे मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं क्या आप लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री? देखिए, मैं मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ। हमारे आज तक बिजली फ्री नहीं हुई है। अभी पिछले महीने मैंने 15,000 रुपए का बिल दिया है। अपनी गांव वाली से पूछती हूँ तो वो भी कहती है कि उसे कुछ फ्री नहीं है। तो दिल्ली में कुछ फ्री नहीं है और अब इन्होंने और भी ज्यादा बढ़ा है। पानी बिजली सब महंगी है, सबसे ज्यादा महंगा दिल्ली है। धन्यवाद। बिल्कुल, तो सीधे तौर पे आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है और सीधे तौर पे लिखा गया है पोस्टर पर कि अब जेल से भी लूटेंगे। केजरीवाल ने दिल्ली वालों को दिया महंगी बिजली का करंट और इस तरीके के पोस्टर बैनर लेकर तमाम जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंची हुई है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा भी यहाँ पर मांगा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त प्रदर्शन कर रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम पोस्टर बैनर लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आपको तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर लिखा गया है कि अब जेल से भी लूटेंगे। केजरीवाल ने दिल्ली वालों को दिया महंगी बिजली का करंट, इसके अलावा पीपीएसी चार्ज बढ़ाकर महंगी बिजली की गई है, जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं पोस्टर बैनर में दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं, जो बीजेपी के दिल्ली बीजेपी के सांसद है उनकी मौजूदगी यहाँ पे है। बलजीत सहरावत यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, रमेश भिंडूड़ी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सीधे तौर पे ये मांग की जा रही है कि जो चार्ज बढ़ाया गया है उसको कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार कम करे। तो निश्चित रूप से लगातार जो बीजेपी की ओर से प्रदर्शन है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ किया जा रहा है और हजारों की संख्या में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। वीडियो के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली, भारतीय।